सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज महोबा। संपूर्ण समाधान दिवस में संपूर्ण निद्रा में लीन दिखे दरोगा, शिकायतों के निस्तारण में बैठे दरोगा जी का सोता हुआ वीडियो हुआ वायरल। महोबा में शासन द्वारा आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक दरोगा का गहरी निद्रा में लीन वीडियो वायरल हुआ है। तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए बैठे अधिकारियों के बीच एक दरोगा संपूर्ण नींद लेता दिखाई दिया। तहसील सभागार में एडीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस चल रहा था, जहां बैठे दरोगा अपनी थकान मिटाते नजर आए, जिनका वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है, जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर फरियादियों की जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक शनिवार तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन यहां बैठने वाले अधिकारी और कर्मचारी इसको लेकर कितने गंभीर है ये आपको महोबा में दिखाते हैं। महोबा की सदर तहसील में एडीएम राम प्रकाश की अध्यक्षता और एसडीएम जितेंद्र कुमार की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस विभाग के लोग भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान एक दरोगा संपूर्ण समाधान दिवस में संपूर्ण नींद लेते दिखाई दिए हैं। समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों की जन समस्याएं सुनने के दौरान दरोगा जी सो गए। खन्ना थाना में तैनात दरोगा अनिल कुमार पांड्या समाधान दिवस में आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठे थे, ताकि उनके थाना क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जा सके, लेकिन इन्होंने तो समाधान दिवस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और नींद लेते कैमरे में कैद हुए हैं। जहां फरियादी अपनी शिकायतें लेकर यहां पहुंच रहे थे, तो वही दरोगा जी सोते रहे। आप खुद देख पा रहे होंगे कि कैसे संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठा दरोगा सो रहा है। जब आसपास के अधिकारियों ने कैमरा चलता देखा तो उसे नींद से जगाया। इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है। इससे लगता है कि शासन की मंशा के अनुरूप समाधान दिवस में बैठ रहे अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि आने वाली शिकायतों में लगातार इजाफा ही हो रहा है।